Assalamu alaikum. I'm Dr. Saqib Minhas and you're watching Mondays with Minhas. आज का हमारा टॉपिक है ब्लीडिंग gums. गम ब्लीडिंग एक ऐसा प्रॉब्लम है जिससे बहुत सारे लोग मुतासर होते हैं और परेशान होते हैं और उनको नहीं मालूम होता या नहीं समझ में आ रहा होता कि वो कैसे इससे अपनी जान छुड़ाएं. वो कोई भी सख्त चीज़ खाते हैं जैसे कि एप्पल्स तो भी उनको मसूड़ों में से खून आने लगता है. अगर वो ब्रश करते हैं तो ब्रशिंग के दौरान भी उनके मुँह से ब्लीडिंग होने लगती है और इस प्रॉब्लम से वो बेतहाशा परेशान हो जाते हैं. गम ब्लीडिंग को इमीडिएटली ठीक करने के लिए हमारे पास मार्केट में बहुत सारे टूथपेस्ट अवेलेबल हैं. कई के कमर्शियल्स भी टेलीविज़न पे आ रहे होते हैं. यू कैन गेट इन्फॉर्म्ड एंड यूज़ देम. लेकिन फिर भी बेस्ट है कि आप अपने डेंटिस्ट के पास जाएं और उससे एडवाइस लें. इसकी सॉल्यूशन जो है वो है दांतों की सही सफाई में. अगर आप खुद से अच्छे से ब्रश करते हो और हर 6 महीने के बाद किसी भी अच्छे डेंटिस्ट के बाद जाके आप अपने दांतों की क्लीनिंग यानी कि स्केलिंग करवाते हों तो आप कभी भी गम ब्लीडिंग से परेशान नहीं होंगे. और अगर आपको गम ब्लीडिंग है तो वो भी रिकवर कर जाएगी, ठीक हो जाएगी. गम ब्लीडिंग के प्रॉब्लम डिज़ीज़ से होता है, हम इसको आम तौर पे जिंजिवाइटिस. और अगर ये ज़्यादा ख़राबी कर चुका हो दांतों में और मसूड़ों के दरमियान और मुंह की हड्डी को भी इन्वॉल्व कर चुका हो तो हम इसको पेरोडोंटाइटिस कहते हैं. सो दिस इज़ द वे इन विच यू कैन गेट क्योर्ड फ्रॉम ब्लीडिंग गम्स. अच्छे डेंटिस्ट के पास जाइए और दांतों की अच्छे तरीके से टाइमली सफाई करवाइए. थैंक यू. दिस विल बी माई मैसेज फॉर नाउ. See you again till next time. Allah Hafiz.